हेलो गाइस, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 को फर्स्ट वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। चैप्टर 2 डायनेमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, हम पहले इसे नोट से गो थ्रू करेंगे, देन एक बार फिर ओवरव्यू लेंगे मॉड्यूल का कि हमने कोई टॉपिक स्किप तो नहीं किया। नोट्स आपको आई थिंक प्रोवाइड हो गए होंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डू लेट मी नो योर डाउट्स, यू कैन कमेंट, जल्दी से पूरा पार्ट 1 का रिवीजन करते हैं। 28 मिनट के वीडियो का 2 मिनट में रिवीजन पॉसिबल है, बट आप अगर कॉन्सेप्चुअल वाइज समझना चाहें और आपको एग्जाम में क्योंकि जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, डीप अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आप उतने अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे और उतने ज़्यादा मार्क्स गेन होने की पॉसिबिलिटीज है। हमें पास शॉर्टकट में नहीं पढ़ाएंगे, डीपली पढ़ाने वाले वीडियो अपलोड करते हैं, तो जल्दी से गो थ्रू करते हैं। डायनेमिक्स मीन्स फोर्सफुल मूवमेंट, किसमें? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज में। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज क्या होते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रेटजी दैट हेल्प्स टू कम्पीट, कम्पीट मीन्स कंपटीशन करने में कॉम्पिटिटर से हेल्प करती हैं, उन स्ट्रेटजीज को कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज बोलेंगे। स्ट्रेटजीज मीन्स इज एसोसिएटेड विथ यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन प्लान, एंड कम्पीट मीन्स मेकिंग एफर्ट्स टू आउट परफॉर्म, आउट परफॉर्म मीन्स सुपीरियर परफॉर्मेंस करना कॉम्पिटिटर से, इन ऑर्डर टू हैव डोमिनेंस ओवर मार्केट। स्ट्रेटजी को और भी नाम से जान बोल सकते हैं, इज अ गेम प्लान और लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट। इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज इट मीन्स आई से मॉड्यूल लैंग्वेज, जिससे हम पेपर में इजीली राइट डाउन कर सकें और मार्क्स गेन कर सकें। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होगी लिखने की? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज डिजाइंड टू हेल्प फर्म्स टू अचीव, यहाँ पर टू होना चाहिए, टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी हेल्प करती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? सेट ऑफ यूनिक फीचर्स और ऑफ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल हमने लिया था, हमने उस वीडियो में मैक्सिमम एग्जाम्पल लिए हैं, आप मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग बैठा सकते हैं, तो प्लीज एक बार जो गो थ्रू कीजिएगा। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था एप्पल डिवाइसेस का या कम्युनिकेशन डिवाइसेस का, जो कि सभी सैमसंग, ओप्पो, वीवो, वो चाहे तो जितनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, बट एप्पल को बीट नहीं कर पा रही है। एप्पल इतना कॉस्टली होने के बाद भी लोग उसे प्रेफर कर रहे हैं। रीजन 2 हैं, पहले तो उसकी क्वालिटी और दूसरा उसकी अपग्रेडेशन फीचर्स, जो कि मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। इन अदर वर्ड्स, फर्म्स एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज मोर इफेक्टिवली देन इट्स कॉम्पिटिटर्स is known as competitive advantage. Competitive strategy से competitive advantage create होता है, it means ऐसी unique feature या फिर ऐसी ability आती है firm के अंदर जिससे वो compete कर सके। मैंने इसको बताया, then आगे go through करते हैं। What competitive deals with external competitive, it means competitor, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डील करते हैं, और इंटरनल एनवायरनमेंट से हमने बताया था रिसोर्सेस, ह्यूमन मैन पावर, रॉ मटेरियल, ये सब डील करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीटर एक्सटर्नल वर्ड है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो हमेशा इंटरनल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। हाउ? कंपटीटर्स प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे कॉम्पिटिटर्स
मैक्सिमम शेयर मार्केट को एक्वायर करेंगे, मैक्सिमम कस्टमर को एक्वायर करेंगे, उनको अच्छी सर्विस देंगे, और जितनी अच्छी सर्विस या फिर जितना जितना ज़्यादा मार्केट एक्वायर करेंगे उतना ज़्यादा उतने हमारी इंटरनल एनवायरमेंट इट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी। सो लास्टली कॉम्पिटेटिव या फिर कॉम्पिटिटर्स डील विथ एक्सटर्नल एनवायरमेंट दैट अफेक्ट्स द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द फर्म। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी, किस पर्पज से हम कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहे हैं? टू जनरेट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, इंक्रीज मार्केट शेयर एंड बीट कॉम्पिटिशन। बट ये स्ट्रेटजीज कैसे कम्प्लीट होंगी या फिर किस प्रकार अचीव करेंगे? बाय अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड डिलीवर वैल्यू, जो पहला पॉइंट था कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, तभी वो क्रिएट हो पाएगा जब अट्रैक्ट कस्टमर करेंगे और उनको अच्छी वैल्यू डिलीवर करेंगे। वैल्यू डिलीवर मीन्स सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना। देन सेकंड पॉइंट था इंक्रीज मार्केट शेयर, इंक्रीज मार्केट शेयर विथ स्टैंड कॉम्पिटेटिव प्रेशर। जिस प्रकार जियो की एंट्री हुई, अदर्स जो स्मॉल टेलीकॉम कंपनी सेक्टर थे, एक टेलीकॉम कंपनीज थी, एग्जाम्पल टाटा टेलीकॉम, टाटा डोकोमो, देन एयरसेल, रिलायंस, सो टेलीनोर, वो छोटी कंपनी ने अपने ने अपना मार्केट शेयर लेफ्ट आउट किया, जिससे जो कंपनीज जैसे आइडिया, वोडाफोन तो मर्जर हो गया, एयरटेल और जियो, ये मेन थ्री बिगेस्ट कंपनीज हैं जो कि इस कॉम्पिटेटिव प्रेशर में इंक्रीज रह पाई। डाटा का प्राइस डिक्रीज होने से या फिर कॉल रेट डिक्रीज होने से उस कॉम्पिटेटिव प्रेशर में स्टैंड रह पाई, और जिससे उनका क्या हुआ, मार्केट शेयर जो छोटी फर्म ने एक्वायर किए थे, कंपनी से ने एक्वायर किया था, वो उनके अंडर आ गया। सो दैट इंक्रीज मार्केट शेयर तभी हो सकता है जब उस कॉम्पिटेटिव प्रेशर में वो स्टैंड रह पाए। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तभी क्रिएट हो सकती है जब अट्रैक्ट कस्टमर और डिलीवर वैल्यू कर सकें। थर्ड पॉइंट बीट कंपटीशन, बीट कंपटीशन तभी हो सकता है जब स्ट्रेंथन मार्केट पोजीशन। हमने पॉइंट डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, आप प्लीज गो थ्रू करें। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था लीडर, चैलेंजर और फॉलोअर। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि आप लीडर कैटेगरी में है, आप चैलेंजर कैटेगरी में या फॉलोअर कैटेगरी में, और आपको किनके साथ बीट करना है, किनके साथ कंपटीशन करना है? उसके लिए हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। सो कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप इन शॉर्ट बिजनेस एनालिसिस विच आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स, जो कॉम्पिटिटर्स आइडेंटिफाई करता है आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन डेप्थ में थोड़ा चलते हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ फर्म्स कॉम्पिटिशन टू एसेस कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेंथ, वीकनेस इन द मार्केट एंड हेल्प एंड टू चूज एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज दैट विल इम्प्रूव इट्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। और लास्टली कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करने में हेल्प करेगा। जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप उनका प्रिंट आउट प्लीज करा लीजिए, और जहाँ पर आपको लगे आप साथ में मेरे रीड आउट करते चलिए, उन नोट्स को देखते चलिए, और जहाँ भी आपको डाउट लगे वहाँ पर आप करेक्शन कीजिए। साथ में मैं बुक से एक बार गो थ्रू करवाऊंगा, बुक में से आपको जो भी पॉइंट लगेंगे आपको वहाँ पर लिखना है, साइड में आप उसको लिखते जाइएगा, जिससे आपको प्रॉपर एग्जाम टाइम से पहले पहले आपको नोट्स बन जाए। अंडरस्टैंड करते हैं स्टेप्स जो कि हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा क्वेश्चन रहता है हाउ, हु आर द कॉम्पिटिटर्स। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर इन द फर्म्स इंडस्ट्री। फर्म्स इंडस्ट्री मीन्स उस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री मीन्स सपोज स्टील इंडस्ट्री होती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री होती है, और
मोटर्स इंडस्ट्री होती है, ठीक है, व्हीकल, टेलीकॉम में जियो, एयरटेल, वोडा, आईडियाफोन, अगर यही मोटर्स की जाए तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, देन ऑडी, ये सब आए उसमें इंडस्ट्री में, मोटर्स इंडस्ट्री में। देन अगर हम जिस इंडस्ट्री से डील करने वाले हैं, जिस इंडस्ट्री में हैं, देन उसके बाद जो भी कंपटीटर्स उनके शेयर मार्केट समझेंगे, इट्स रिस्पेक्टिव शेयर मार्केट थ्रू एक्चुअल डाटा, देन उसके बाद हमें एनालाइज होगा कि हमारे एक्चुअल कंपटीटर्स कौन है। स्टेप सेकंड, अंडरस्टैंड द कंपटीटर्स बाय यूज ऑफ मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंडस्ट्री रिपोर्ट, ईटीसी। किनका यूज करेंगे? इन रिपोर्ट्स का यूज करते हुए हम अपने कंपटीटर को अंडरस्टैंड करेंगे, को समझेंगे। टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय देम इन डिफरेंट मार्केट्स, अंडरस्टैंडिंग में क्या पॉइंट कवर किए गए हैं? पहले तो सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स कवर करेंगे, फिर उनके प्रोडक्ट और सर्विस को समझेंगे, देन उसके बाद हमें आंसर पॉइंट हो जाएगा कि व्हाट आर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज को समझने के बाद, क्योंकि हम मेनली डील कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उन बिग कंपनीज के बारे में जो काफ़ी वाइड रेंज में प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करती हैं और उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है, देन उसके बाद हम समझेंगे उनके स्ट्रेंथ को, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर बाय फाइंडिंग आंसर्स। ये क्वेश्चन है कुछ जिनका आंसर हम फाइंड कर लेंगे तो हमें उनकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, यानी या फिर किस ये कौन कौन से एरिया को कवर करना है जिनसे हम उनकी स्ट्रेंथ को मेजर कर सकें, फाइनेंशियल पोजिशन, कॉस्ट एंड प्राइस को मेजर करना है, समझना है, व्हाट लाइकली टू नेक्स्ट डू, क्या आगे करने वाले हैं फ्यूचर में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को या नेटवर्क को समझेंगे और उनके ह्यूमन रिसोर्सेज को समझेंगे, क्योंकि एक प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स सबसे मेन रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इन सभी पॉइंट को अगर कवर हमने कर लिया तो हम उनके कोर स्ट्रेंथ को समझ जाएंगे, देन उनका वीकनेस, डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, बट हाउ, थ्रू कंज्यूमर रिपोर्ट एंड रिव्यूज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो मेनली पर्पस रहता है कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना या फिर उनके सेटिस्फेक्शन को पूरा करना। सो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन तभी होगा, सभी समझ पाएंगे जब उसके हम सभी पहलू को मेजर करें, सभी पॉइंट्स को। लेकिन वीकनेस को अगर समझना है तो सबसे कोर कंपोनेंट होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर की रिपोर्ट, कंज्यूमर का रिव्यू और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कंपटीटर उस एरिया में कंपटीटर को सर्विस, सही सर्विस प्रोवाइड नहीं करा रहा या करा नहीं पा रहा तो उसकी इंटरनल स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनल एनवायरनमेंट को भी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो वो फेलियर कहलाएगा, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा और सर्वाइव और ग्रोथ नहीं हो पाएगी उसकी मार्केट में। तो मेल सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट कौन सा हो गया वीकनेस को मेजरमेंट करने के लिए? कंज्यूमर रिपोर्ट और रिव्यूज, अपीयर इन वेरियस मीडिया, क्योंकि हम आंसर प्रोवाइड करेंगे वेयर दे आर लैकिंग, वेयर आर दे लैकिंग। स्टेप 5, पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टूगेदर टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट वॉट दे आर नॉट ऑफरिंग। अब लास्टली हमें पता चल जाएगा वॉट दे आर नॉट ऑफरिंग एंड वॉट द फर्म कैन डू, फर्म कैन डू यानी अपना ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है उस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि जहां पर गैप होगा वहां पर नया बिजनेस क्रिएट होता है। सो क्वेश्चन इससे हमें इन तीन आंसर मिलेगा, ये प्राउड होगा, व्हाट विल बिजनेस डू
विद इंफॉर्मेशन व्हाट इंप्रूवमेंट डज द फर्म नीड टू मेक, हाउ कैन फर्म एक्सप्लॉइट द वीकनेस एंड ऑफ द कॉम्पिटिटर्स. इट मीन्स इन सबसे ओवरऑल इंफॉर्मेशन से हमें इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. वीकनेस को जानने के बाद हमें इसका आंसर मिल जाएगा, वेयर आर दे लैकिंग. एंड सेम जो अवर टॉपिक है, सेम स्ट्रेंथ मेजरमेंट में इन एरिया को कवर कर लेंगे तो इन सभी का आंसर मिल जाएगा. ये जो मेन क्रिटिकल एरियाज हैं, इसके अलावा भी और एरिया कंसिडर किया जा सकता है. देन अंडरस्टैंड कंप्यूटर को, नहीं कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना मींस उसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को अंडरस्टैंड करना, कितने वाइड रेंज में और कौन कौन सर्विसेज प्रोवाइड कस्टमर या सॉरी कंप्यूटर करा रहे हैं. आइडेंटिफाई कस्टमर में पॉइंट कवर किए गए हैं उन फर्म्स के ऊपर और उनके मार्केट शेयर के ऊपर, जिनसे हम देख सकें कि वो लीडर है या फिर चैलेंजर या फिर फॉलोवर है. बिकॉज जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप डायरेक्टली किसी बड़ी बिग फर्म को कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस रहेगा, काफ़ी इन्वेस्टमेंट रहेगी, काफ़ी वो रिस्क लेने के पोजीशन में रहेगा और वो काफ़ी डीपली तक या फिर कॉम्पिटेटिव प्रेशर में टिक सकता है. आप पहले उन्हें बीट करेंगे जो आपके इक्वली वर्क कर रहे हैं. मैंने इसको डीपली टॉपिक लिया है वीडियो वन में, सो इससे हमें पता चल जाएगा हु आर द एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स अवर ऑफ अवर. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटजी एनालिसिस. जब भी हम स्ट्रेटजी वर्ड को फोकस करते हैं तो दो पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक इंटरनल एनवायरनमेंट.